क्रेन, सिंपल क्रेन की अगर डेफिनेशन देखें कि क्रेन है क्या, अ मशीन कंसिस्टिंग ऑफ अ रोटेटिंग सुपर स्ट्रक्चर फॉर लिफ्टिंग एंड लोवरिंग अ लोड एंड मूविंग इट हॉरिजेंटली ऑन एदर रबर टायर्स और क्रॉलर ट्रेड्स। अ मशीन, एक मशीन है, क्रेन क्या है, एक मशीन है जो कि मुश्तमिल है किस चीज के ऊपर, रोटेटिंग सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर, जो मुश्तमिल है एक रोटेटिंग घूमने वाले सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। फॉर लिफ्टिंग एंड लोवरिंग अ लोड, यानी के लिफ्टिंग लिफ्ट कर सकती है ऊपर और लोअर नीचे कर सकती है, किसको, लोड को। एंड मूविंग इट हॉरिजेंटली, ठीक है, मूव कर सकती है हॉरिजेंटली, समझ आ गई है, लोड को हॉरिजेंटली मूव कर, ऑन एदर जो के रबर टायर्स और क्रॉलर ट्रीज के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। उसके जो है टायर किस चीज के हैं, एक रबड़ के हो सकते हैं, दूसरा क्रॉलर ट्रीज जो क्रॉलर क्रेन के साथ चैन लगा होता है वो हो सकते हैं। क्रेन के हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं, समझ आइए, हैजर्ड क्या हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है, ये इसके बनते हैं पांच हैजर्ड, टिपिंग ऑफ क्रेन ड्यू टू ओवरलोडिंग, क्रेन टिप कर सकती है ओवरलोड की वजह से, समझ आई है, ओवरलोड हमने नहीं उठाना, क्रेन कोलैप हो सकती है किसी भी वजह से हो सकती है, हाई विंड, हाई तेज हवा की वजह से हो सकती है या और कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है, ये भी हैजर्ड है। मटेरियल फॉलिंग ऑन वर्कर्स, जो मैंने आपको बताया था हैंगिंग लोड है, सस्पेंडेड लोड है, वो किसी वर्कर के ऊपर गिर सकता है। कॉन्टैक्ट विद ओवर हेड पावर लाइन्स, आपको बताया है उसका बूम जो है बिजली की तारों के साथ लग सकता है, ओवर हेड पावर लाइन्स के साथ लग सकता है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, कम अज कम 10 फीट का हमने फासला रखना है। अगर टच हो जाता है तो फिर अपनी जान कैसे बचानी है, ऑपरेटर ने जंप करना है, स्टेप डाउन नहीं करना, जंप करना है, एकदम से नीचे उतरना है। मैकेनिकल हैजर्ड ड्यू टू कॉन्टेक्ट विद मूविंग पार्ट्स, मैकेनिकल हैजर्ड ये है कोई मूविंग पार्ट्स हैं, ठीक है, वो उसके साथ लग सकता है जिसकी वजह से क्रेन को एक्सीडेंट हो सकता है, ये क्या है, इसके हैजर्ड है क्रेन के। क्रेन सेफ्टी प्रीकॉशंस, प्रीकॉशंस किसको कहते हैं, हफाजती तदाबीर, एहतियाती तदाबीर, ठीक है। इसमें क्रेन में किस तरह की एहतियाती तदाबीर जो है हो सकती हैं, कौन से हैजर्ड हैं और उनके हम प्रिकॉशंस लेके, एहतियाती तदाबीर लेके अपनी उस क्रेन एक्टिविटी को सेफ एंड साउंड मुकम्मल कर सकते हैं, चाहे वो जितनी बड़ी एक्टिविटी हो, चाहे वो 500 टन क्रेन ने लोड उठाना हो या फिर 5 टन उठाना हो। सबसे पहले इंस्पेक्ट क्रेन बिफोर इट्स ऑपरेशन, सबसे पहले वो कहता है कि क्रेन को जो है इस्तेमाल करने से पहले, चालू करने से पहले, ऑपरेशन करने से पहले उसकी इंस्पेक्शन कर लेनी है। इंस्पेक्शन कैसे करनी है कि आपने उसको चेक कर लेना एरिया में, जैसे ही वो जाती है तो ई एंड आई, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट जो डिपार्टमेंट का बंदा होगा वो आएगा, उसको बाकायदा तौर पे पहले वो उसकी टेक्निकल चीज़ें देखेगा, ठीक है, उसकी चेकलिस्ट फिल करेगा, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होंगी वो उसमें देखेगा, ये चीज़ें कहीं से कोई लीकेज तो नहीं हो रही, कहीं पे उसका कोई टायर डैमेज तो नहीं है, आउटरिगर सही खुल रहा है, बूम उसका कहेगा इसको खोलो, चारों तरफ घुमाओ, सही है बिल्कुल, उसकी जो क्रेन ऑपरेटर है उसका जो कैबन होता है वो देखेगा कि उसमें जो है हवा का निज़ाम है, विंड है, उसमें जो है फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर देखेगा और उसकी इंस्पेक्शन करेगा कहीं से कोई लीकेज ना हो रही हो। जब क्रेन खड़ी करते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो कोई लोकल क्रेन्स होती हैं तो उनके जो हाइड्रोलिक होता है कहीं से कोई तिपका ऑयल का टिपक रहा होता है। क्रेन एक्टिविटी के दौरान प्लांट के अंदर कोई भी उसका एक, यानी कि ऑयल का एक भी तिपका टिपके तो वो, एक ड्रॉप भी आए तो वो क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी के दौरान अगर जहाँ से एक जो है वो ड्रॉप आ रहा है वो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वो फट भी सकता है, समझ आई है। क्रेन ऑपरेटर मस्ट बी ट्रेंड एंड कॉम्पिटेंट,
जो क्रेन ऑपरेटर है वो क्यों जो है ट्रेंड होना चाहिए, क्यों कंपिटेंट होना चाहिए, क्योंकि उसने इतना बड़ा लोड उठाना है, इतनी बड़ी क्रेन को जो है वो ऑपरेट करना है, ठीक है। वहाँ पे प्लांट होगा साइड पे, बहुत ज़्यादा वर्कर उसमें इन्वॉल्व होंगे, ट्रेंड होगा वो बंदा, पहले उसका एक्सपीरियंस होगा, उसके पास लाइसेंस होगा, उसके पास थर्ड पार्टी होगी, वो सारी चीज़ें होंगी, तो उसका एक्सपीरियंस भी बंदे का होगा, क्रेन को चलाना जानता हो उसमें उसका काफ़ी एक्सपीरियंस हो, फिर उसको जो है ऑपरेट करने दिया जाएगा ताकि वो नुकसान ना करे कोई भी। ऑब्टेन PTW टू वर्क नियर पावर लाइन, जो है PTW जो है लें, अगर आपने नज़दीक पावर लाइन्स के नज़दीक काम करना है तो उसका जो है स्पेसिफिक आप जो है PTW लें, उसमें आपके प्रिकॉशंस लिखे हुए होंगे कि किस तरह से यहाँ आपने काम करना है। जो पावर लाइन है, बिजली की लाइनें हैं, वो बूम से कितनी दूर रखनी है, वो कितने KV की हैं, 50 KV की हैं, 100 की हैं, 150 की, 200 की, 250 की, 300 की, उस हिसाब से फिर डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। अगर 50 KV होगा, जाहिर सी बात है वो उसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, रेडियस ज़्यादा होगा, ठीक है, एनर्जी का, तो इसलिए उससे कम फासला रखेंगे। 100 KV होगी थोड़ा और दूर रखेंगे, 200 KV होगी थोड़ा और बूम रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाएंगी। मेंटेन 10 फीट डिस्टेंस फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिकल पावर लाइन, वो कहता है कि कहीं भी पावर लाइन से आपने काम करना है, क्रेन का बूम ऊपर जाता है, आपने मिनिमम 10 फीट जो है फासला वो मेंटेन करना है, चाहे वो 5 KV की हो, 10 KV की हो, 15 KV की हो, लाइन हो, आपने 10 फीट फासला रखना ही रखना है, इससे ज़्यादा रख सकते हैं, इससे कम नहीं रख सकते। 10 फीट फासला कितना एक होता है, थोड़ा सा फासला होता है, 6 फीट हाइट मेरी है, 4 फीट और होगी तो कितना एक फासला होगा, ये तो ऐसे ही बूम को मूव करते हुए साथ लग सकता है, तो सेफ्टी के मुताबिक 10 फीट रखना चाहिए, लेकिन ये भी कम है, एहतियातन ज़्यादा फासला रखना चाहिए, जहाँ पे गुंजाइश नहीं है और फिर 10 फीट फासला जो है वो मेंटेन कर लो। अ क्रेन मस्ट हैव अ लोड टेस्ट सर्टिफिकेट, लोड टेस्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन बिफोर बींग यूज। अब उसने यहाँ पे क्या कहा, क्रेन मस्ट हैव अ लोड टेस्ट सर्टिफिकेट, कि क्रेन के पास लोड टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, समझ आई है, कि क्रेन कितना लोड उठा लेती है, कितने टन की है, ये नहीं है कि जो 500 टन की है तो मैं वहाँ पे 1000 टन उठाना शुरू करवा दूँ, ठीक है, क्रेन क्या होगी, ऑटोमेटिकली जो है ना वो क्लैप हो जाएगी, गिर जाएगी, गलत होगा। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन उसकी देखें कि इतनी देर वो उसका एक बाकायदा से टेस्ट करते हैं, क्रेन को एक एरिया में लेकर जाते हैं, वहाँ पे उसके आउटरिगर खोलते हैं, उसको लगाते हैं, फिर उस पर जो है उसकी कैपेसिटी 300 टन की है तो उसको 300 टन जो है वेट उठा के खड़ा कर देते हैं, ठीक है, खड़ा कर देते हैं, ऑपरेटर को कहते हैं नीचे आ जाओ, वो क्रेन वहाँ पे खड़ी रहती है, फिर उसके जो है आउटरिगर जो हैं उनका जो है ना वो मेजरमेंट करते हैं, फिर वो जो है रेडियस क्रेन से वो जो लोड उठाया हुआ है वहाँ तक का जो है ना वो करते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, फिर वो ज़मीन से लोड जितना ऊपर उठाया हुआ है उसकी जो है मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट अपने पास नोट कर लेते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, जितना वो टाइम दें, 15 मिनट, उसके बाद फिर वो मेजरमेंट करते हैं क्रेन के लोड की और ज़मीन से उसकी, कि फासला जो पहले मापा था वही है, अगर कम है तो मतलब क्रेन ने थोड़ा सा लोड ड्रॉप किया है, तो वो इंस्पेक्शन जो है थर्ड पार्टी है वो सर्टिफिकेट जारी नहीं करती, वो फेल कर देती है उसको, आउटरिगर उतने ही हैं, हिले तो नहीं, पूरे खुले हैं, क्लोज तो नहीं हुए, वो भी फिर मेजरमेंट करते हैं। इस तरह से अगर बिल्कुल वो उनकी पूरा उतरे उनकी जो थर्ड पार्टी टेस्ट के ऊपर, तो फिर वो क्या है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जारी करते हैं, समझ आई है। अ फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट बी अवेलेबल विद द क्रेन, फायर एक्सटिंग्विशर क्रेन के साथ अवेलेबल होना चाहिए, क्रेन ऑपरेटर के केबन में होता है एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर, क्यों, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल्स भी होते हैं, वहाँ पे जो है डीजल का जो होता है वो ड्रम भी होता है साथ, उसमें टैंकी होती है, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है इलेक्ट्रिकल पैनल में, तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए होता है, समझ आ गई है। फॉलो रिगिंग लिफ्टिंग स्टडी फॉर हैवी लिफ्ट, नॉर्मल जो लिफ्टिंग होती है वो तो प्लान कर लेते हैं, रिगिंग सुपरवाइजर होता है, अपनी कस्टडी में, अपनी निगरानी में वो करवा देता है, जो हैवी लिफ्टिंग करनी हो, ठीक है, उसके लिए फिर जो है एक रिगिंग प्लान बनाया जाता है, जो रिगिंग स्पेशलिस्ट कुछ कंपनियों में बनाता है, कुछ में रिगिंग सुपरवाइज़र बनाता है, जो अच्छी कंपनियां वो रिगिंग स्पेशलिस्ट रखती हैं, क्योंकि बड़ी क्रिटिकल एक्टिविटी होती है,
वो कहते हैं कि कहीं पे प्लांट में क्रेन गिर जाए, अरबों खरबों की मालियत का प्लांट है, उसमें कुछ चीज़ें डैमेज हो जाएंगी, डैमेज होगी वो नुकसान तो होगा, प्रोडक्शन रुक जाएगी, वो प्रोडक्शन का लॉस अलग से होगा, इक्विपमेंट दोबारा से मंगवाना वो कास्ट अलग आएगी, ऊपर वर्क फोर्स लगाना वो कास्ट, उनकी सैलरी अलग से देनी पड़ेगी, उन उसको रिएक्शन करना और सारी चीज़ें वो जो है ना उनको देखते हुए वो रिगिंग स्पेशलिस्ट हायर करती हैं, जो कि सबसे पहले प्लान बनाते हैं कि ये हमारी इक्विपमेंट है, इसको यहाँ से उठाना है, हमने वहाँ पे रखना है, इतना इसका लोड है, एक जगह से दूसरी जगह पर उठाकर लोड को रखने को क्या कहते हैं, स्क्रू पाथ, ठीक है, स्क्रू पाथ हमारा कैसा है, लोड का कितना वेट है, कितने टन है, क्रेन कौन सी लगेगी, कैसे लगेगी, विंड स्पीड क्या है, कौन कौन इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो वो पूरा क्या करते हैं, वो प्लान बनाते हैं, स्टडी प्लान बनाते हैं, और उनको प्लान को देखते हुए फिर जो है उस एक्टिविटी को करवाया जाता है। डिप्लॉय द बैंक्समैन व्हेन द लोड इज नॉट विजिबल। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्रेन लगी हुई है, सामने लोड है, उठा के उसको एक साइड से दूसरी साइड पे रखना है, मुझे नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रेन लगी हुई है, उस साइड पे अगर जो है लोड है, ठीक है, बिल्डिंग के उस पार, मुझे वो लोड नजर नहीं आएगा, उसके लिए एक बंदा जो है वो इधर सामने छत पे खड़ा होगा तो उसको भी लोड नजर नहीं आएगा, एक बंदा उस कोने पे खड़ा होगा जो कि लोड का इशारा देगा इस बंदे को, ये वाला बंदा जो है फिर ऑपरेटर को बताएगा, एक एक्स्ट्रा बैंक्समैन चाहिए होगा, ठीक है, समझ आई है। अगर लोड नहीं नजर आता तो बैंक्समैन लगेगा साथ। ओनली वन पर्सन टू सिग्नल द क्रेन ऑपरेशन। अगर नॉर्मल एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे सिग्नल मैन एक होना चाहिए। बाज़ोका देखा है शरारतन कुछ मैकेनिकल के लोग या कोई और लोग जो होते हैं या फिर कोई दूसरा रिगर ही वो इशारा देना शुरू कर देता है। अगर वो दो बंदे इशारा दे रहे होंगे, एक कहेगा हुक को अप करो, दूसरा अगर कहता हुक को डाउन करो, तो वो फजल हो जाएगा, बंदा कोई एक्सीडेंट हो सकता है। सिर्फ एक बंदा ही एक्टिविटी को करवाएगा और सिग्नल देगा। डू नॉट लेट एनी बॉडी स्टैंड वॉक अंडर हैंगिंग लोड। कोई बंदा भी जो सस्पेंडेड लोड, एक लोड है जमीन पे पड़ा हुआ, क्रेन उसको उठा लेती है, ऐसे उठा लेती है, अब वो हवा में है, उसको क्या कहते हैं, हैंगिंग लोड, वो हैंग हुआ हुआ है, या फिर उसको कहते हैं सस्पेंडेड लोड, वो किसी भी वक्त गिर सकता है। क्यों? क्रेन बंद हुई, को मसला आ गया, तब भी वो गिर सकता है, ठीक है, बूम के साथ ही वो नीचे आएगा, कोई उसमें से वायर टूट गई तब भी वो नीचे आएगा, हुक टूट गई तब भी वो नीचे आएगा, कोई पीछे से वो केबल फ्री हो जाती है तो तब भी नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा नीचे जो भी चीज होगी वो खत्म हो जाएगी, समझ आई है। इसलिए कहते हैं कोई बंदा भी गुजरते वक्त उसके नीचे से ना गुजरे, कोई पता नहीं होता कब गिर जाए। ये इंडस्ट्रियों में एक्सीडेंट हुए तो उन्होंने ये वाले हैजर्ड मुतारफ करवाए हुए और प्रीकॉशन मुतारफ करवाए हुए, ठीक है, कोई बंदा भी उसके नीचे से वाक नहीं करेगा जब तक वो जमीन पे ना आ जाए, उसके करीब कोई नहीं आएगा। यूज टैगलाइन टू गाइड द लोड। टैगलाइन क्या होती है, जब लोड को बांध लेते हैं हुक के साथ तो फिर एक अलग से रस्सी बांध दी जाती है उस लोड को, जो ऐसे करके एक रिगर पकड़ लेता है, ठीक है, रिगर पकड़ लेता है, वो क्यों पकड़ लेता है, वो इसलिए कि लोड जब ऊपर जाता है हवा की वजह से वो ऐसे ऐसे लहरा सकता है, तो उसको कंट्रोल करते हैं उससे, या फिर एक जगह पे रखना है तो बूम उधर नहीं जा रहा तो उसको थोड़ा सा खींच के आगे कर लेंगे, तो वो क्या कहते हैं, वो उसको साथ लोड को वो मेंटेन करते हैं, उसको कहते हैं लोड टैग लाइन। इफ द बूम कॉन्टेक्ट पावर लाइन जंप, डू नॉट स्टेप डाउन। बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना ये एक सेंटेंस है, बड़ी इंपॉर्टेंट एहतियाती तदाबीर है। सबसे पहले मैं आपको एक सादा सी मिसाल दूंगा, आप लोगों के देहातों में कहीं पे भी बाज़ औक़ात ये बड़े बड़े ट्रक जाते हैं या ट्रालियां जाती हैं जिनके ऊपर ये कुछ लोड करके ऊपर एंगल लगा होता बड़ा सा, जब वो किसी तारों के साथ, बिजली की तारों के साथ टच हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, जैसे ही वो नीचे उतरता है वो बंदे उतरने लगते हैं तो उनको करंट लग जाता है। यहाँ पे बहुत वो गलती करते हैं, मेन गलती, यहाँ पे बंदा बच सकता है कोई मसला नहीं, लेकिन बच कैसे सकता है, उसने लिखा है इफ द बूम कॉन्टेक्ट्स पावर लाइन, ठीक है, अगर आपका बूम पावर लाइन के साथ टच हो गया है, कोई भी गाड़ी की चीज पावर लाइन के साथ टच हो गई है, तो जंप करना है। क्यों?
आप इधर खड़े हो ऊपर गाड़ी के ऊपर, आपने एकदम से जंप करना है दोनों पांव उठा के जमीन पे। जब जमीन पे आपका पहला पांव लगे तो उस गाड़ी के साथ जिसमें करंट आ गया टच हो गई है, उसके साथ कोई भी चीज आपकी टच नहीं होनी चाहिए। रीजन, जमीन में अर्थ है और उस गाड़ी में करंट आ चुका है और नीचे रबड़ के टायर होते हैं, रबड़ में से करंट जो है पास नहीं होता, समझ आई है। और जैसे ही आप नीचे पांव रखोगे एक हाथ उसको गाड़ी को डालोगे, करंट और अर्थ जो है मिल गया, फिर आप गए एक सेकंड में गए। जब आप डायरेक्ट छलांग लगाते हो बिल्कुल करंट अकेला कुछ नहीं करता जब तक अर्थ ना मिले, आप नीचे छलांग लगाते हो एकदम से, तो आप करंट से कट ऑफ हो गए और अर्थ पे चले गए, तब भी कोई मसला नहीं, ऐसे इजीली बंदा बच सकता है। वो कहता है डू नॉट स्टेप डाउन, कि नीचे एक स्टेप डाउन नहीं करना बल्कि जंप करके नीचे आ जाना। समझ आ गई है, ये चीज आपने याद रखनी है और इस चीज से बंदा कई जाने बचा सकता है। ये लेटेस्ट एक मसला हुआ है हमारे जो है ना उधर सिटी के साथ, वो एक बड़ा एंगल लगा हुआ था ट्रॉली के ऊपर, वो जैसे ही टच हुआ वो नीचे उतरने लगा, पहले कुछ भी नहीं हुआ बिल्कुल, वो जैसे ही नीचे उतरने लगा एक पांव नीचे रखा उसे, वहीं पे जो है ना एट द स्पॉट डेथ हो गई उसकी। नेवर एक्सीड सेव वर्किंग लोड, जो सेव वर्किंग लोड है, एक क्रेन है यहाँ पे ले आए हैं, वो 10 टन कैपेसिटी है उसकी, तो उससे 10 टन ही उठाएं, 12 टन उठाने की कोशिश ना करें, फिर काम खराब होगा। टावर क्रेन्स आर टू बी इरेक्टेड एंड डिसमेंटल्ड बाय कॉम्पिटेंट पीपल। टावर क्रेन आपको बताया था एक इस तरह उसका जो है वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, किसी भी बिल्डिंग कोई हमने कंस्ट्रक्शन करनी हो वहां पे लगाई जाती है, तो वो स्टेप बाय स्टेप जो है इरेक्ट की जाती है, तो वो कॉम्पिटेंट पर्सन इरेक्ट कर सकता है, उसकी पिन्ने लगती हैं, उसके नट बोल्ट लगते हैं बाकायदा से, उसकी जो है ना इरेक्शन एक सिक्वेंस से होती है, और वो कॉम्पिटेंट बंदा जो करता हो पहले कर चुका हो एक्सपीरियंस हो वही कर सकता है। दूसरा बंदा कोई भी पिन मिस कर देता है, कोई नट बोल्ट मिस कर देता है, तो वहां पे क्या है वो क्लैप हो जाएगी। परफॉर्म गुड हाउसकीपिंग ऑन क्रेन आफ्टर यूज, ठीक है, आपने क्रेन इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे, ठीक है, क्रेन ने जो है वो बहुत ज्यादा धुआं भी मारा होगा और उसके ऊपर डस्ट भी पड़ी होगी और कुछ कहीं से कोई जो है ना इधर उधर से चीजें उसके ऊपर आई होंगी। आपने क्या करना है, जैसे ही क्रेन एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, क्रेन के ऊपर जितनी भी है अच्छी तरह से उसके साथ बंदा होता है उसको सफाई करवा देनी है, क्रेन की बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। हाउस कीपिंग बहुत ज़रूरी है, समझ आ गई है। ये क्या थे, क्रेन एक्टिविटी के प्रीकॉशन थे, एहतियाती तदाबीर थी। ये एहतियाती तदाबीर जो सेफ्टी ऑफिसर साइड पर अडॉप्ट करवाएगा तो कोई एक्सीडेंट होने के खतरे हैं पीछे, मेरा नहीं ख्याल कोई भी खतरा बचता हो जिससे कोई एक्सीडेंट हो सकता हो, लेकिन मस्ट है आप अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि ये वाली चीज़ें आप वहाँ पे साइड पे अप्लाई करवा सकें। ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आप अप्लाई करवा सकते हो, समझ आ गई है।